हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल टेक वेब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में। मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या चेंजेस आई है और कैसे आपका जो व्हाट्सएप डेटा है वो व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है और आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कब से ये जो पॉलिसीज़ है, ये चेंज जो है कब से ये आपको व्हाट्सएप में देखने को मिलेगी। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं जो मेन चेंजेस है व्हाट्सएप की जो होने जा रही है। जो पहली जो सबसे बड़ी चेंज है दोस्तों, वो है जो पेरेंट कंपनी फेसबुक है उसके साथ आपका डेटा शेयर किया जाएगा, चाहे वो आपकी टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो आपकी इमेज हो, लोकेशन हो, IMEI नंबर हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, लैंग्वेज हो, टाइम जोन हो, तो सारी जो डिटेल्स है वो पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए शेयर किया जा सकता है। तो अब मान लो आपने किसी को टेक्स्ट की, आप अभी तक किसी को टेक्स्ट कर रहे थे व्हाट्सएप पे, तो वो उनके व्हाट्सएप की ऑनलाइन सर्वर पे सेव नहीं रहता था, वो सिर्फ आपको और जो रिसेप्टेंट है उसके बीच में जो मैसेज थे वही आप सिर्फ दोनों देख सकते थे। लेकिन अभी जो है, अभी व्हाट्सएप के सर्वर पे आपकी मैसेज सेव रहेंगी और जब भी ज़रूरत पड़ेगी फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। मान लो अगर आपने कभी भी फॉर एग्जांपल किसी को मैसेज की कि मुझे ये मोबाइल चाहिए, तो अब व्हाट्सएप वहाँ पर जो है आपकी मैसेज समझ जाएगा और आपने अगर आप फिर उसके बाद अगर आप फेसबुक पे जाते हो तो आपको फेसबुक पे उसी के रिलेटेड एड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको पता है कि जो व्हाट्सएप है वो बिल्कुल फ्री है, तो इसीलिए यहाँ से आपका डेटा फेसबुक के साथ जो पेरेंट कंपनी है शेयर किया जाएगा फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पजेज। तो ये थी पहली जो सबसे बड़ी चेंज है। अब उसके बाद जो दूसरी चेंज हुई थी दोस्तों, जो कॉलिंग का फैसिलिटी था तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन था, सिर्फ आप और अगर आप किसी से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल या कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो वो उनके ऑनलाइन सर्वर्स पे सेव नहीं रहती थी, लेकिन अब से वो भी सेव रहेगी उनके ऑनलाइन सर्वर्स पे। उसके बाद जो सबसे बड़ी चेंज आई है वो ये पेमेंट्स की, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इंडिया में पेमेंट सर्विस व्हाट्सएप ने चालू की है। अब यहाँ पर ये व्हाट्सएप का ये कहना है कि यहाँ पर भी जो ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो अकाउंट नंबर है, पेमेंट मेथड है, सब कोई जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके सर्वर पे सेव रहेगी। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रीचिंग, इससे ब्रीच होगा, यूज़र की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच हो जाएगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं। अब उसके बाद व्हाट्सएप ने क्लियर कह दिया है कि आपको ये जो चेंजेस है आपको एक्सेप्ट करने ही करने हैं और उन्होंने टाइम दिया है 8 फरवरी तक। आपको शायद अगर ना पता हो तो आपके जब भी आप व्हाट्सएप ऑन करते हो या अभी शायद आपको आपके पास नहीं आते होंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ और आपको बताया जाएगा कि आप इन टर्म्स को एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आपको 8 फरवरी के बाद हम आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप ये पॉलिसीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपकी जो आपका जो व्हाट्सएप है वो आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो एंड मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में जैसी हमें और कोई अपडेट मिलती है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।